तो रिया और शिवानी आज हम किसका ट्रेलर देखेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई। तो गाइस ऊंचाई 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 ऊंचाई। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं ऊंचाई का ट्रेलर। तो एक दो तीन चालू। The key to an easy trek is a steady trek. चलते रहेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी। All right, everybody smile. एक बार तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना, किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना। साल में एक दिन तेरा बर्थडे आता है, उसमें भी तेरा ये जो एवरेस्ट है ना, ये सारे गिफ्ट ले जाता। मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर। चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए। सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ। ओ केटिको केटिको बर्फ बदन है, केटिको केटिको सुर्ख लगन है। आप इनके परिवार को इतला कर दीजिए। बस हम इससे जो थे वो बैंकर स्त्री के सर्जन वही होना चाहिए जहां उसकी आत्मा बसती। हमारी उम्र क्या जानता है ना तू? और मैं अगर सोच भी लूं तो शबीना तो मुझे गुड़गांव के लिए जाने नहीं देती। एवरेस्ट की बात तो दूर हो गई। ध्यान रखना अपना, पहाड़ों में बर्फ होती है, कहीं फिसल बन जाना। पहाड़ों में हम कोई एवरेस्ट थोड़ा चढ़ने जा रहे हैं। आंटी मेरा मतलब है अब सालों में जीना। दिल्ली से कानपुर तक की दूरी 495.6 किलोमीटर। आई थिंक इसके 7 घंटे और 31 मिनट पूरा कर रहे हैं। बाथरूम के लिए कब रुकना होगा बता दो। कब आएगी एवरेस्ट? क्या करेंगे? प्लान बनाया होगा? हां बनाया होगा। सरकार के द्वारा यार मतलब एवरेस्ट बेस कैंप इनके दो इस तीनों के दोस्त का सपना है। मुश्किल ट्रैक्स में से मर गया है तो ये तो हम कभी भी बड़े वजह से उनका सपना पूरा करेंगे। 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। जिंदगी को हाका अमेजिंग है, इसलिए हमें घर पे बैठना चाहिए। नहीं बैठना हमें घर पे, हमें बाहर चढ़ना है, जंगलों में घूमना है। कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठे। बेन का फेवरेट गाना। ये जीवन है, इस जीवन का यही है। तो रिया और शिवानी ट्रेलर कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा, एक नंबर। एक नंबर लगा? यस। दो नंबर नहीं लगा? जैसा नाम ही बुलंदियां है तो मूवी कैसी होगी? बुलंदी यानी ऊंचाई नाम है। ऊंचाई नाम है। Yes, मतलब तो वही है ना। नो मतलब। शिवानी तेरे को कैसा लगा? अच्छा लगा। इन्हें कुछ समझ आता है? इन्हें को नहीं समझ नहीं आता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। इसका एक बोल्ट ढीला है इसलिए इसको समझे। बात यहाँ से घुसती है, यहाँ से निकल जाती है, या तो फिर ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे चली जाती। यहाँ पे जाती ही नहीं अंदर। बात यहाँ से जाती नहीं है, यहाँ से निकल जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय 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 बाय। मुझे किसने बोला था कि मुझे समझ नहीं आता है, बुद्धू मैं कुछ बोल ही नहीं इसका।